गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर टू हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन बाय रूड यार कीपलिंग फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आई आज मैं आपको सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगी बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू पार्ट वन देर वॉज अ फिशरमैन नेम तेगू माई हिज वाइफ वॉज तेशु माई

स्माइल्ड पोलाइटली जिस स्ट्रेंजर मैन को उसने पिक्चर ड्रॉ करके दिया था तो वो उसको देकर के हंसने लगा ही डिड not स्पीक हर लैंग्वेज एंड हैड not अंडरस्टूड अ word टैफ़ी हैड सेट और टैफी ने उससे जो भी कहा उसको कुछ भी समझ में नहीं आया उसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आई और उसको समझ में नहीं आया कि टैफी क्या कहना चाह रही है ही सॉ दैट तेगू माई इग्नोर हिम उसने क्या देखा कि तेगू माई यानी टैफी के फादर उसको इग्नोर कर रहे थे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे दिस मेड हिम बिलीव तेगू माई मस्ट बी अ ग्रेट चीफ हु वॉज टू प्राउड एंड पावरफुल टू नोटिस अ सिंपल विजिटर तो ये जब उसको तेगु माई स्ट्रेंजर मैन को इग्नोर करने लगा तो उसने सोचा कि ये बहुत ही ट्राइब uh, का बहुत मेन पर्सन होगा चीफ होगा चीफ में सोता है प्रधान यानी मेन मुखिया तो उसने सोचा कि ये मेन पर्सन होगा और ये बहुत ही प्राउडी यानी बहुत घमंडी है और बहुत पावरफुल है इसलिए वो किसी भी सिंपल यानी साधारण इंसान को देख करके के रिएक्ट नहीं कर रहा नेक्स्ट पैरा टैफी प्रॉम्प्टली बिगैन ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द ट्री बाग विथ अ शार्क्स टूथ टू टेल हर मदर वॉट हैड हैपन टैफी ने क्या किया प्रॉपर्स देखिए नीचे क्या दिया है टू एक्ट एट वंस यानी जल्दी से हरीडली तो उसने क्या किया पिक्चर्स बनाने बार्क मीन्स ट्री बार्क मीन्स होता है पेड़ की छाल तो उस पर वो पिक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करती है विद अ शार्कस टूथ शार्क मीन्स आप जानते हैं मछली वेल मछली उसके टूथ से उसके दांत से वो स्केचिंग कर कर के उस पर आ, पिक्चर बनाती है जिससे कि उसकी मम्मी को पता चल पाए कि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या है शीDrew तेगुमाई ट्राइंग टू फिश विद अ ब्रोकन स्पीयर उसने क्या बनाया कि तेगुमाई ये शीDrew तेगुमाई ट्राइंग टू फिश विद अ ब्रोकन स्पीयर उसने क्या बनाया कि तेगुमाई यानी उसके फादर टूटी हुई स्टिक से टूटी हुई स्पियर से फिशिंग कर रहे हैं यानी मछली पकड़ रहे हैं शी ड्रिव द स्ट्रेंजर मैन होल्डिंग द एक्स्ट्रा स्पियर और उसने स्ट्रेंजर मैन को बनाया जो कि एक्स्ट्रा स्पियर पकड़ा हुआ था जस्ट देन दार्क टूथ स्लिप्ड जैसे ही वो बना रही थी शार्क का टूथ क्या हुआ कि स्लिप कर गया फिसल गया एंड इट लुक्ड लाइक द स्पियर वॉज इन टेगुमाइट्स बैक और क्या हुआ कि उसके हाथ से जब फिसल गया तो वो इस तरीके से बन गया कि ऐसा लग रहा था तेगुमाई के पीठ में स्पेयर घुसा हुआ है नाउ आई शो यू हाउ टू फाइंड माई मदर्स एड्रेस और फिर टैफी क्या कहती है टैफी टो, टोल्ड द स्ट्रेंजर मैन टैफी ने स्ट्रेंजर मैन से क्या कहा कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि अपने मेरी मम्मी का एड्रेस क्या है मेरी मदर कहाँ रहती हैं शी ड्रीव ट्रीज एंड द बीवर स्वैम्प उसने क्या बीवर स्वयं बनाया और ऊद का दलदल बनाया और पेड़ पौधे बनाए टैफी डिड नॉट नो हाउ टू ड्रॉ बीवर्स बट शी ड्रॉ हेड्स सो शी लिटिल हेड्स इन द स्वैम्प स्वैम्प मीन्स क्या होता है दलदल तो टैफी ने क्या किया वहाँ पर वो ऊद को बीवर्स को नहीं बना पा रही थी तो उसने सिर्फ हेड बना दिया जो कि स्वैम्प में से निकले हुए थे

चीफ के तरफ का ट्राइब का उसके जगह का मैसेज होगा इट मस्ट मीन दैट हिज एनिमीज़ आर हाइडिंग इन द बुशेस रेडी टू अटैक हिम क्योंकि जो टैफी ने उसको स्ट्रेंजर मैन को समझाया तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया तो उसने वो अपने से इंटरप्रेट करने लगा कि इसका मीन क्या है इट मस्ट मीन दैट हिज एनिमीज़ आर हाइडिंग इन द बुशेस रेडी टू अटैक हिम उसने कहा कि ये इसका मतलब ज़रूर ये हो सकता है कि उसके जो एनिमीज़ हैं जो दुश्मन है वो बुशेस, बुशेस मीन्स होता है झाड़ियाँ झाड़ियों में छुपे हुए हैं और उसे अटैक कर रहे हैं अटैक करने वाले हैं ही वॉन्ट्स हिज ट्राइब टू कम एंड हेल्प हिम और वो चाहता है कि उसके ट्राइब के लोग उसकी जगह के लोग आए और उसकी हेल्प करें मदद करें विद डैट द स्ट्रेंजर मैन रेस्ड ऑफ विद द पिक्चर्स ऑन द ट्री बार्क

तो तेसुमाई जो कि टैफी की मदर थी और तेगू माई की वाइफ थी वो दरवाजे पर केव के गुफा के गेट पर खड़ी रहती है गुफा के कॉर्नर पर खड़ी रहती है वेयर शी वॉज टॉकिंग विद अदर केव लेडीज और दूसरी गुफा के लेडीज से बात करती रहती है शी वॉकड अप स्माइल्ड पोलाइटली एंड हैंडेड हर ही वॉकड अप स्माइल्ड पोलाइटली एंड हैंडेड हर द ट्री बार्क फुल ऑफ पिक्चर्स और फिर वो उसके पास जाता है स्ट्रेंजर मैन और उसको स्माइल के साथ पिक्चर का जो बार्क ट्री बार्क रहता है वो उसको उठा करके दे देता है तेशू माई लुकड एट द पिक्चर्स एंड स्क्रीम्ड स्क्रीम मीस चिल्लाना टेशु माई क्या करती जैसे ही पिक्चर देखती हूँ कस कसक चिल्ला देती तेज से शी रैन एंड नॉक द पुअर स्ट्रेंजर मैन डाउन द केव लेडीज सेट ऑन हिम वाइल तेशु माई टोल्ड देम वॉट द पिक्चर्स मींट क्या होता है कि वो तेज से चिल्ला देती है और उस स्ट्रेंजर मैन को धक्का देके गिरा देती है और केव की लेडीज उस पर जाकर के बैठ जाती हैं और पूछने लगती हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था इट्स क्वाइट क्लियर शी सेट दिस स्ट्रेंजर मैन हैज अटैक्ड तेगु माई तो वो कहती है कि ये तो एकदम क्लियर पिक्चर है इसमें स्ट्रेंजर मैन ने तेगु माई पर हमला किया है अटैक किया है सी देयर इज अर इन तेगू माईज बैग एंड टेगू माइज इज़ ब्रोकन उसने कहा कि इस पिक्चर में साफ बना हुआ है कि तेगुमाई के बैक में एक स्पीयर लगी हुई है और स्पीयर टूट गई है देन तेसू माई पॉइंटेड टू द लिटिल बीवर हैड टैफ़ी एंड हैड टैफ़ी हैड्रॉन और टैफी ने जो लिटिल हैड्स बनाए थे बीवर के स्वैप में तो उसने इसको इंटरपिट्रिट किया कि ये भी कई सारे फेसेस हैं एंड सेट लुक देयर्स द अदर ट्राइब कमिंग आफ्टर देम और कहा कि देखो ये सारे लोग हैं ये अदर ट्राइब दूसरी जगह से आए हुए हैं जो कि तेगुमाई पर हमला कर रहे हैं तेशुमाई एंड द केव लेडीज बिगैन टू बीट द ड्रम्स टू कॉल द ट्राइब तेशुमाई माई और उस जगह की सारी लेडीज ने क्या किया ड्रम ड्रम बीट करने लगे और अपनी ट्राइब के सारे लोगों को बुलाने लगे द ट्राइब गैदर्ड रेडी टू रेस्क्यू तेगुमाई माई एंड टैफ़ी क्या हुआ कि रेस्क्यू मीन्स होता है टू सेव फ्रॉम डेंजर उनकी मदद करना उन्हें बचाना तो ट्राइब गैदर हो इकट्ठा गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना तो ट्राइब के लोग सारे वहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं तेगुमाई माई और टैफ़ी को बचाने के लिए स्ट्रेंजर मैन हैड लेट देम टू वेर तेगु माई एंड टैफ़ी वर पीसफुली फिशिंग फिर स्ट्रेंजर मैन उनको उन सबको लेकर के जाता है उस जगह पर जहाँ पर तेगुमाई और टैफी पीसफुली यानी शांति से फिशिंग कर रहे थे मछली पकड़ रहे थे वेयर आर द पीपल दैट अटैक्ट यू क्राइड द ट्राइब ऑफ तेगुमाई। माई तेगुमाई के ट्राइब के लोग उससे पूछते हैं कि वो सारे लोग कहाँ गए जो तुम पर अटैक कर रहे थे नो वन अटैक्ड अस सेट तेगू माई वी हैव सीन नो बडी बट स्ट्रेंजर मैन यू हैव देर उसने क्या कहा कि तेगुमाई ने कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हम पर अटैक कर रहा था और मैंने सिवाय एक पर्सन के सिवाय स्ट्रेंजर मैन के मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा वाई डिड यू सेंड अस दै हॉरिबल पिक्चर्स दे सेट तो फिर उन्होंने कहा कि तुमने हमें हॉरिबल मीन्स भयानक हमें इतना भयानक पिक्चर बना करके क्यों भेजा टैफी स्टेपड फॉरवर्ड स्टेप फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना टैफ़ी उनके पास गई और शी टोल्ड द ट्राइब अबाउट द ब्रोकन स्पियर एंड हर प्लान टू हेल्प हर फादर टैफी उनके पास गई और वो बताने लगी कि इसकी स्पियर उसके फादर की स्पियर टूट गई थी और उसने ये सोचा कि वो अपने फादर की मदद कर सके शी एक्सप्लेन हर ड्राॅइंग्स एंड दैट शीड कूडन ड्रॉ बीवर्स एट ऑल जस्ट हेड्स और फिर उसने ये एक्सप्लेन किया कि उसकी ड्राॅइंग में एक्चुअली मीन क्या था और फिर उसने बताया कि वो बीवर्स को बना नहीं पा रही थी इसलिए उसने उनके हेड्स बना दिए वेन शी finished, एवरी वन वॉज़ वेरी क्वाइट और जैसे ही उसकी कहानी खत्म हुई इसकी प्रॉब्लम की जो भी वो बता रही थी वो ख़त्म हुआ सारे लोग शांत हो गए देन द हेड chief began टू laugh. और जो हेड था ट्राइब का वो तेज तेज से हंसने लगा Soon द whole ट्राइब laughed. और जल्दी ही सारे ट्राइब के लोग हंसने लगे दिस इज अ ग्रेट इन्वेंशन सेड हेड चीफ और हेड चीफ ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है सम डे वी विल बी एबल टू रीड एंड राइट एंड वी शैल ऑलवेज अंडरस्टैंड वॉट इज रिटर्न तो उसने कहा कि एक दिन हम क्या करेंगे इसको पढ़ पाएंगे वी विल बी एबल टू रीड एंड राइट और हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस भाषा को लिख पाए और समझ पाए पढ़ पाए वी शैल ऑलवेज अंडरस्टैंड वॉट इज रिटर्न और फिर हम तभी समझ पाएंगे कि इसमें आखिर क्या लिखा है इसका एक्चुअल में मीन क्या है अंटिल देन टैफ़ी वेन यू सेंड अ लेटर विद पिक्चर्स बी श्योर एंड सेंड इट विद समन हु कैन एक्सप्लेन वॉट इट मीन्स और उसने कहा कि टैफी को समझाया कि जब भी तुम किसी पिक्चर को भेजो या किसी के साथ भेजो तो तुमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है ताकि वो सही सही सच आकर के बता सके सो so, स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी दी हैं यू हैव ऑल्सो सीन दैट दे आर सम हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन विद रेड कलर यू विल हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स एंड ऑल्सो लर्न द वर्ड मीनिंग्स तो आज आपने पढ़ा कि एक स्टोरी लेटर के बारे में थी कि कैसे लेटर लिखा गया देर आर सम मिस्टेक्स दैट इज डन बाय द कैरेक्टर्स आई विल टेल यू फर्स्ट मिस्टेक क्या थी कि तेगुमाई शुड नो अबाउट व्हाट टैफी वाज गोइंग टू डू तेगुमाई जो कि टैफ़ी का फादर था उसको पता होना चाहिए था कि टैफी क्या कर रही है उसने ध्यान नहीं दिया था सेकेंड मिस्टेक क्या थी ही शुड रिस्पेक्ट द स्ट्रेंजर हु वॉज गोइंग टू हेल्प देम और तेगुमाई को ये सोचना चाहिए था कि जो भी स्ट्रेंजर मैन उसकी मदद कर रहा है वो उस पर उसको ध्यान देना चाहिए था उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी जबकि उसने क्या किया था उस पर ध्यान ही नहीं दिया था फिर नेक्स्ट मिस्टेक क्या थी टैफी शुड बी क्लियर इन हर पिक्चर्स एज वॉट हैड हैपेन्ड देअर एक्चुअली शी शुड ड्रॉ द इंसिडेंट क्लियरली उसको सारी इंसिडेंट क्लियरली बनानी चाहिए थी जो कि वो नहीं बना पाई और इससे क्या हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और सारे ट्राइब के लोग परेशान हो गए नेक्स्ट मिस्टेक क्या थी टैफी शुड टेल द स्ट्रेंजर अबाउट ऑल द मैटर क्लियर क्लियरली और ट्रैफी को स्ट्रेंजर मैन को सारी चीज़ें बता देनी थी कि क्या क्या हुआ है जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता और वो जा करके बता देता ओरली कि क्या हुआ है और नेक्स्ट मिस्टेक लास्ट मिस्टेक क्या थी ऑल द पीपल ऑफ ट्राइब शुड थिंक बिफोर रिएक्टिंग निगेटिवली और ट्राइब के सारे लोगों को एक बार सोचना चाहिए था कि जो भी हो रहा है क्या वो एक्चुअल में हुआ है और उन्हें एक बार और सोचने की ज़रूरत थी ठीक है सो स्टूडेंट्स मैंने आपको मिस्टेक्स बता दी अब नाउ वी आर गोइंग टू लिसन वट इज़ द लर्निंग ऑफ द स्टोरी वोट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी सो आई विल टेल यू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी शुड थिंक बिफोर डूइंग एनी थिंग एज आर एफर्ट कैन रिजल्ट इन डिफरेंट वेज इट्स नॉट नेसेसरी दैट वॉट वी परसीव अदर ऑल्सो परसीव इन द सेम वे एवरीबडी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो वी शुड क्लियर आर मीन टू अदर सो दैट पीपल कैन ऑल्सो रिएक्ट इन द सेम वे ओके स्टूडेंट्स चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइजिस पे यू विल हैव टू राइट इट ऑन यूर बुक एंड देन हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर आप ये कॉपी में कर लीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ टिल देन टेक केयर गुड बाय